हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर वारिश्का। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। टुडे व्लॉग, टुडे इज़ अ लेट नाइट व्लॉग वीडियो, तो जिसमें मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ। तो मैं एक वेडिंग में जा रही थी, तो सिर्फ उसके लिए एक दिन रह गया था। तो आप लोग देख सकते हैं रात के कितने बज रहे हैं। 9:45। तो इस टाइम पे मैंने अपना स्किन केयर करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने मग लिया, उसमें मैंने हॉट वाटर किया। इसके बाद मैंने अपने बालों को बांध लिया। तो मैं अपने स्किन से ब्लैकहेड्स रिमूव करी थी, जो कि बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये हैक मैंने अपने यूट्यूब पे ही देखा था, तो मैंने इसको ट्राई किया था। फर्स्ट टाइम इसका बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो पहले आप लोगों ने अपनी स्किन पर वैक्स लगाया है, जहाँ पर भी आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं। इसको लगाकर आपने पहले इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लेना है। इसको मसाज करने के बाद अच्छे से मसाज कर लेंगे। मैं अपने फोरहेड, नोज और चिन पर मसाज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ यहाँ पर मुझे पिंपल और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स थी इस टाइम पर। इसके बाद मैंने एक बाउल में हॉट वाटर लिया, उसमें मैंने अपने एक हैंकी को बीच में डुब किया, जिससे मैं अपने फेस को स्टीम दे रही थी। तो मैं इस दिन बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी, तो मेरा मन था कि मैं जल्दी जल्दी स्किन केयर कर लूँ। इसके बाद मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, जिसको मैं अपने नोज़ पर अप्लाई करूँ, जहाँ जहाँ पर हमने स्टीम दी थी ब्लैक हेड्स हैं। तो इसको अच्छे से मसाज करने के बाद जो भी आपके ब्लैक हेड्स हैं, वो आपके फिंगर्स पर आना स्टार्ट हो जाएंगे नोज़ से निकल। ये प्रोसेस बहुत अच्छा और ईजी है, ये पेनलेस प्रोसेस है। तो इससे काफ़ी हद तक आपके ब्लैक हेड्स क्लीन हो जाते हैं। तो मैं इसको प्रॉपर क्लीन करने के लिए इसको अच्छे से मसाज करती हूँ। तो इसमें अब मैंने अपना कुछ देसी सा तड़का लगाया। इसके बाद मैंने इस एक्सट्रैक्टर की मदद से अपने सभी पैकेट्स को रिमूव कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको जस्ट अप्लाई करके पुश करना होता है, जिससे आपको ब्लैकहेड्स और डॉट जो भी होते निकल आते हैं आपकी स्किन से। तो इसके बाद मैंने अपने नोज पर फेस पर करना स्टार्ट कर दिया था स्क्रब, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत से ब्लैकहेड्स होंगे तो वो निकल जाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि समटाइम्स रात के टाइम में हमारा ध्यान नहीं होता कि कितने ब्लैकहेड्स निकलेंगे क्या नहीं। तो उसके बाद मैंने अपने फेस पर स्क्रब लगाया था अमरूद का, इससे मैं अच्छे से अपने स्किन पर स्क्रब कर रही हूँ 5 मिनट्स के लिए। स्क्रब करने के बाद हम इसको अच्छे से स्क्रब कर देंगे, बिकॉज स्क्रब करने से क्या होता है कि आपकी जो भी डेड स्किन की लेयर्स है अच्छे से रिमूव हो जाती है। मुझे लग रहा था मैंने इस टाइम अपना स्किन केयर बहुत काफ़ी लंबे टाइम के बाद किया था, मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम कब किया था स्किन केयर, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था करना, इसलिए मैंने किया। इसके बाद मैंने फेस को वॉश कर लिया, जिसका आप देख सकते हैं। वॉश करने के बाद मेरी स्किन पे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आ गया था ओनली दीज 3 स्टेप्स। उसके बाद मैंने अपनी स्किन पर टोनर लगाया, जो था कि डाबर का रोज वाटर। तो इसको मैंने कॉटन में लिया, इसको कॉटन में लगा कर मैंने अपने फेस पर लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके आप लोग देख सकते हैं। फेस पर लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है फेस पे मसाज करना। तो मैंने एक रैंडम क्रीम उठा ली थी अपने घर से ही, तो ये हर्बल क्रीम है, तो मैंने इसको फेस पे लगा कर फेस मसाज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके आप देख सकते हैं अपने फेस पे मसाज करना स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि विंटर्स टाइम में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है बट विंटर्स में एक्सेसिव ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं कोल्ड क्रीम ज़रूर प्रेफर करती हूँ स्किन पर। समर्स में नहीं भी लगाओ तो चल जाता है, बट विंटर्स में नहीं। तो इसके बाद मैंने ये 2-3 स्टेप्स किए थे, जो मैं अपने फेस पे मसाज के टाइम करती हूँ। इससे आपका फेस थोड़ा लिफ्टेड सा लगता है, तो आप लोग देख रहे हैं ना, ये स्टेप्स आप भी यूज़ कर सकते हो स्किन के लिए, जो कि मेरे फेवरेट मसाज स्टेप्स हैं। तो आई लव दीज मसाज स्टेप्स, बिकॉज इससे मुझे बहुत रिलैक्सिंग फील होती है मेरी स्किन को। तो मैंने अपने फेस पे इस तरीके से कुछ मसाज किए थे, इसके आई थिंक मेरे को स्टेप्स नहीं याद मैंने कितने स्टेप्स किए थे। तो इसको अच्छे से मसाज करने के बाद मैंने अपने चीक्स पर मसाज करनी स्टार्ट कर दी है। अब मसाज हो जाएगी डन। मसाज डन करने के बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी एक फेस पैक, जो कि DIY फेस पैक था। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी, तो आप जल्दी से जाके इस वीडियो को देख लेना। आपके बाय, टाटा।